शायद हमारे दिमाग में अब बैठ गया है कि बहुत सारी चीजें साइंटिफिक ने इसको खारिज करो, बहुत सारी चीजें हमें दिखती नहीं है लेकिन वो होती हैं, होती एक्सिस्ट है। करती हैं, जैसे आत्मा या कोई भी प्राण। साइंस कहता है कि जो भी चीजें दिन भर हमारे दिमाग में चलती हैं, रात के समय जब हम सोते हैं तो हमारे माइंड में वही चीजें घूमती हैं। दिन में हम जिस भी सिचुएशन में होते हैं, जिन लोगों से मिलते हैं, कहीं ना कहीं वो सब चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं, और जब हम सोते हैं तो वही चीजें सीन बनकर हमारे माइंड में घूमने लगती हैं। एक थ्योरी ये भी कहती है कि जो पैरेलल यूनिवर्स कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं, तो हो सकता है हमारे सपने उनसे भी जुड़े हों। तो आज के एपिसोड में हम स्पीकिंग ट्री के एडिटर राम पांडे से यही चर्चा करने जा रहे हैं कि सपनों को लेकर अध्यात्म की क्या राय है, सपनों पर अध्यात्म का क्या मत है। एक इंटरेस्टिंग मसला है काफ़ी और गंभीर भी है ओके। कि सपनों के अर्थ होते हैं कहीं ना कहीं, ये आपके भावनाओं से जुड़े होते हैं, आपके स्ट्रेस से जुड़े होते हैं, आपके बहुत सारे जो हालात हैं, जो घटनाएं आपके साथ हो रही हैं, या आप पिछले जीवन में हुई हैं या इस जीवन में, यानी कि पास्ट लाइफ कनेक्शंस भी हैं सपनों के। थोड़ा हम इसको जाते हैं फ्रायड पे। फ्रायड ने सपनों की साइंटिफिक व्याख्या करने की कोशिश की। हमारे अंदर चल रहे डर, हमारे साथ हुए जितनी भी घटनाएं हैं बचपन से लेके अभी तक, या इसका किसी और जन्मों से भी कनेक्शन हो सकता है, ये सभी सपनों के माध्यम से व्यक्त होते हैं, यानी कि अव्यक्त भावनाएं हम सपनों में व्यक्त करते हैं। हमारी दुश्चिंताएं, हमारा डर, हमारी इच्छाएं, भविष्य में होने वाली किसी भी तरह की जो परिस्थितियां होती हैं उनको लेके हम जो हमारे अंदर एक डर बैठा होता है, या कहते हैं कि बहुत ही तीव्र डिजायर्स, Desires, right? वो सारे जो है सपनों के माध्यम से व्यक्त होते हैं। साइंटिफिक कई ऐसे और भी मनोचिकित्सक हुए हैं या साइकेट्रिस्ट हुए हैं जिन्होंने सपनों की बड़ी सूक्ष्म व्याख्याएं की हैं। हमें लगता है कि नॉर्मली क्या होता है, लोग कई बातों में उड़ा देते हैं कि नहीं, ये सब, इन सब का कोई मतलब नहीं है जीवन में। लेकिन मैं एक उदाहरण से बताता हूँ। जब जैसे किसी के घर में उसकी किसी पूर्वज की या किसी संबंधी की डेथ हो गई, अक्सर उसे सपनों में उसे अपने पूर्वज कोई संदेश देते या पीड़ित या खुश किसी भी अवस्था में दिखते हैं। जनरली होता है। होता है पितृपक्ष में, जैसे अगर हिंदुस्तान की धरती पर कोई है तो उसको पितृपक्ष में ऐसी घटनाएं उसके साथ होती ही होती होती ही हैं रहती है। कि उसके पूर्वज उसे कोई संकेत देते नजर आते हैं। वो किसी भी, वो पीड़ा में भी हो सकते हैं, वो कोई और इशारा करते हुए नजर आ सकते हैं, और वो सपने में आते हैं। अगले दिन इंसान बहुत चिंताओं में पड़ता है कि भाई सपनों में क्यों आए, कहीं परेशान तो नहीं, क्या है। कई बार उसे कोई प्रॉपर डिफिनेशन नहीं मिलती। तो शास्त्रों में, उपनिषदों में स्पेशली अगर देखें, बृहदारण्यक उपनिषद हम सपनों के बारे में क्या कहता है, तो उपनिषद अंतश्चेतना से जोड़ते हैं। यानी कि एक हमारा सूक्ष्म शरीर है और दूसरा स्थूल शरीर। स्थूल शरीर जो भी है वो जागृत अवस्था में है, लेकिन सूक्ष्म शरीर कब एक्टिव होता है, हम हमारे सोते हैं। सुप्त, हाँ सुप्त अवस्था में, यानी कि हमारे सोने की अवस्था में हमारा स्थूल सूक्ष्म शरीर एक्टिव हो गया। हमारी अंतश्चेतना और हमारा पूरा सबकॉन्शियस माइंड सब एक साथ जुड़ जाते हैं। वहां पे कोई संदेश मिलता है सपनों का। अगर सपने हकीकत में नहीं होते तो ऐसा होता कि दुनिया में बहुत सारे लोगों को सपने नहीं नहीं आते, आते। लेकिन उन्हीं अंतश्चेतना के द्वारा हमारी सारी डिजायर्स, हमारी सारी इच्छाओं, या हमारे साथ हुई घटनाएं, दुर्घटनाएं, या भविष्य में होने वाली संभावनाओं को भी यही सपने प्रकट करते हैं। वो बेसिकली जैसे बहुत सारी भी कहते हैं हम, शायद हमारे दिमाग में अब बैठ गया है कि बहुत सारी चीजें साइंटिफिक ने इसको खारिज करो। वहां पे हम ये नहीं सोचते, ये समझ नहीं पाते या समझने की कोशिश नहीं करते कि बहुत सारी चीजों की व्याख्या हो रही है, उस पर रिसर्च जारी है, उसका कोई क्लियर कॉन्सेप्ट लोगों को समझ में नहीं आता। वो हमारे अनुभव की बातें हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस पे आते हैं। बहुत सारी चीजें हमें दिखती नहीं है लेकिन वो होती हैं, होती एक्सिस्ट है। करती हैं, जैसे आत्मा या कोई भी प्राण होता है। सपने ठीक उसी प्रकार से उसी अंतश्चेतना का पार्ट है। बहुत सारी बातें कह रहे होते हैं, उनकी प्रॉपर व्याख्या वो शायद हम अगर किसी से कहें
या खुद में अगर मनन करें तो हमें उसके समझ में आएगा कि किसी पर्टिकुलर सपने का क्या मतलब रहा। हो सकता है कुछ सपने निरर्थक हों, उनका कोई अर्थ ना हो, क्योंकि आप दिन भर की तमाम गतिविधियों से गुजरते हैं और वो सपने में आ गए, और सपने में बड़े अजीबोगरीब दृश्य बनेंगे, अजीबोगरीब हालात बनेंगे। आप कभी किसी सुरंग में भाग रहे होते हैं, कभी ट्रेन से बिल्कुल मतलब आप ऐसे सफ़र कर रहे होते हैं जिससे आपका कोई मतलब नहीं। लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं जो किसी तथ्यात्मक किसी फैक्ट की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, जो आपके साथ क्या अवश्यंभावी है, क्या आपका प्रारब्ध है या क्या आपके साथ होने वाला है, उस तरफ इशारा कर रहे होते हैं। सपने अबूझ कई बार लगते हैं, लेकिन उसे सुलझाने की ज़रूरत पड़ती है। मैं अपने साथ हुई एक घटना का जिक्र करता हूँ। कुछ सालों पहले मेरे पिताजी की मृत्यु होती है, और उसके अगले साल आने वाला पितृपक्ष था, उसमें बार बार मेरे पिता मेरे सपनों में आ रहे हैं, और वो काफ़ी कभी परेशान हालात में दिख रहे हैं। मुझे पितृपक्ष आने वाला था, यानी कि पितृपक्ष यानी कि 15 दिन या 1 महीने पहले से, बार 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 मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि जिस रूप में धार्मिक गतिविधियाँ हैं उस तरीके से मैं उसको अपने जीवन में फॉलो नहीं करता। तो समझ में मुझे कब आया, पितृपक्ष स्टार्ट हो गया था, और वाइफ ने कहा कि पितृपक्ष स्टार्ट मतलब एक दिन पहले की बात है कि स्टार्ट होने वाला, कल से आपको ये जो तिल और उसका तर्पण पिंडदान ये सब के ये करना है, और उसके कुछ रिचुअल्स और नियम आपको फॉलो करने हैं। मैंने करना स्टार्ट किया। अच्छा, सपने उसके एक दिन पहले भी आए, पितृपक्ष में भी आए, और जिस दिन मेरे पिता का की तिथि थी श्राद्ध की, हाँ श्राद्ध की, उस दिन जब मैंने फाइनली किया, सारे रिचुअल्स को फॉलो किया, उसके अगले दिन से स्वप्न आना स्वप्न में पिताजी आना बंद हो गया। तो वो कुछ चाह रहे थे अपनी लास्ट एक होता वो मेरे लिए बिल्कुल एक क्लियर विजन था कि सपनों के बारे में मैं ज्यादा गहराई से समझूं। हालांकि इसके पहले भी सपनों के बारे में तमाम वो जैसे इंटरेस्ट है, आपको जानना है, लोगों से बातें हो रही हैं, या खुद तमाम तरह के उस पर रिसर्च करना, लेकिन उस दिन एक क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ कि सपन जिस चीज के बारे में मैं सोच भी नहीं रहा था वो चीज मेरे साथ सपने में घटित हो रही थी, और उसके बाद से वो जीवन में कभी दोबारा नहीं हुई। यानी कि सपनों का मनोविज्ञान, सपनों का विज्ञान, सपनों का अध्यात्म और सपनों का शास्त्र, आप कह सकते हैं चीजें काफी इंटरकनेक्टेड हैं। हम उनकी अलग अलग व्याख्याएं करते हैं, तो क्या कहते हैं, हमें अपनी जरूरतें अपनी सहूलियतों के हिसाब से चीजों को ग्रहण करना या अस्वीकार करना होता है जीवन में। तो मतलब ये आप मतलब आपके अकॉर्डिंग साइंस ये कहता है कि जो सिचुएशन प्रेजेंट है आप वो देख रहे हो सपनों में, लेकिन अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि जो होने वाला है या जो कुछ ऐसा जो एग्जिस्ट आपके लिए नहीं कर रहा, यू नो फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो आपको सपनों में दिख रहा है। सो दो कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें लग रही है मुझे। बिल्कुल, क्योंकि एक दिखता है और दूसरा नहीं दिखता, दिखता है। मैंने अभी पहले क्या कहा बाद में, स्थूल एंड सूक्ष्म, जो बिल्कुल माइक्रो है, जो किसी भी चीज़, जो कि कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक टेलीस्कोप भी हो, माइक्रो टेलीस्कोप भी हो, मतलब हाँ माइक्रोस्कोप भी हो, उससे भी आप चीज़ों को नहीं देख सकते, और दूसरा है जो किसी भी रूप में देखा जा सकता है। तो सपनों के कॉन्सेप्ट को अनुभव किया जा सकता है, या बहुत सारी चीज़ों में अगर आप उनसे बातें कर रहे हों जिसको सपना आया, और उसके तमाम हिस्ट्री को आप खंगालने की कोशिश करें, उससे कहीं ना कहीं उसके सपनों का सूत्र जुड़ा मिल जाता है। या कुछ ऐसी चीजें हैं, कहते हैं फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन तमाम जगहों पे फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं, या लोगों की इंट्यूशन पावर होती है, उसका कोई आंकड़े में वो नहीं दिया जा सकता, उसका कोई डेटा नहीं बनाया जा सकता सीधे सीधे कि इस पर्टिकुलर को इस व्यक्ति के भापने की क्षमता इतनी तेज है, या भविष्य ज्ञान इसका है, ये जो कहता है वो बात सत्य होती है, जिब भविष्य सरस्वती का वास होना, कि हमने किसी के बारे में कोई बात कही वो सही हो गई। बहुत सारी चीजों के सीधे वजूद नहीं होते, ले हाँ उसे पहले स्वीकार करना होता है, समझना होता है, और उस हिसाब से उसके समझने एक्सेप्ट करके हम अगर उसको देखें तो उसके अर्थ समझ में आएंगे।
नहीं तो ऐसा भी होता है, जो आपने आपने साथ जो केस बताया वो आपके एंसेस्टर्स आपके अपने पिता से रिलेटेड था। कई बार ऐसा होता है कुछ सपनों में हमें ऐसी चीजें नजर आती हैं जो फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके बारे में बताती हैं, या आप कह लीजिए एक तरह से हमें वार्निंग साइन होता है वो ड्रीम हमारे लिए कि ये चीज मत करो, लेकिन समझना हमारे लिए हर किसी के लिए इजी नहीं होता, तो उसको कुछ आप डिस्क्राइब कर पाएंगे? मुझे लगता है इंटरप्रिटेशन की बात है, किस तरह से उसकी व्याख्या की जा रही है। जैसे मैंने मेरा जो उस पर कि बहुत सारी चीज़ें निरर्थक लग सकती हैं लेकिन वो किसी संकेत को दर्शाते हैं, कुछ वो कहना चाहती हैं, क्या मैसेज करनी है कि उसका एनालिसिस करना। अब यह है कि हर कोई एनालिसिस कर नहीं सकता क्योंकि हर एक पर्टिकुलर विधा या शास्त्र या किसी भी तरह की पर्टिकुलर पद्धति है उसमें एक्सपर्टीज होना जरूरी है। तो अब सीधे तौर पे कि जिसको सपना आया हम उसी से मान लें कि वो उसको या तो मान ले या खारिज कर दे या उसकी कोई व्याख्या कर दे, उसकी कोई मीनिंग बता दे, तो ये नहीं पॉसिबल होता है। कुछ सपने हमारे फोबियाज जो हमारे अंदर हैं डर हमारे उनको लेकर आता है, कुछ सपने ऐसे होते हैं जो बड़े कॉमन होते हैं, आई थिंक कुछ को आता है दांत टूटने का सपना, कोई आता है कि आप एक बिल्डिंग में ऊपर चढ़ते जा रहे हो और उसका कुछ एंड नहीं है, कुछ आता है किसी लोगों को आता है कई लोगों को कि आप एक बिल्कुल ब्लैंक या एकदम डार्क सुरंग में भागते जा रहे हो, भाग आई थिंक ये कॉमन ड्रीम्स हैं जो बहुत सारे लोगों को आते होंगे। तमन्ना इन इस तरह के सपने जो होते हैं कहते हैं कि किसी सुरंग में भागना है, तो अभी मैंने कही कैसे मनोविज्ञान कैसे जुड़ता है, उस फियर को दर्शाना, वो पर्टिकुलर आने वाले किसी मुश्किलों को दर्शाना या उस मुश्किल हालातों से निकलने का कोई संदेश देना, कोई मैसेज देना, वो एक रास्ता भी बताता, सोल्यूशन भी बताता। तो पहला कॉन्सेप्ट हमें सपनों के अर्थ होते हैं जब हम ये मानेंगे, तभी हमें ये समझ में आएगा कि वास्तव में सपने हमारे ही अपने फियर, हमारे ही अपने किसी फ्यूचर की होने वाली भावी घटना से जुड़ा है। तो यानी कि एक्सेप्टेंस सबसे पहले जरूरी है, अगर हमने मान लिया अर्थ ही नहीं होते फिर हम ढूंढेंगे तो उसकी व्याख्या कैसे होगी, उसका अर्थ कैसे ढूंढेंगे हम, और उसके बाद आप जो भी व्याख्या करते हैं वो सिर्फ एक कहानी मान के करेंगे। लेकिन वास्तव में हर चीज प्रकृति की कोई चीज या नेचर से जुड़ी हुई जितनी चीजें हैं या हमारे सबकॉन्सियस माइंड से तमाम जुड़ी ऐसी चीजें हैं जो हमें प्रत्यक्ष नहीं देखती लेकिन इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से सूक्ष्म रूप से उसके बड़े महत्व हैं। उन सबका कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ अर्थ होता ही है। हाँ, ये है कि आपको सही व्यक्ति के पास या सही ढंग से सोचने की जरूरत होगी। तो ये कॉन्वर्सेशन बहुत इंटरेस्टिंग थी, आई एम श्योर आपको भी बहुत मजा आया होगा सुनने में। तो कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है जो निकल कर आई हैं वो ये हैं कि हर किसी को सपना आता है, रात को जब हम सोते हैं तो सपना तो हर कोई देखता है, और हो सकता है सुबह उठकर आपको याद ना रहे वो सपना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ड्रीम नहीं आया। और सेकंड जो चीज़ निकल कर आई है वो ये है कि हर सपना अपना कोई मतलब रखता है, हर किसी सपने का एक मीनिंग होता है, बस आपको उस मीनिंग को समझना है, उसका एनालिसिस करना है, और इसके लिए हो सकता है आपको किसी ड्रीम एक्सपर्ट के पास भी जाना पड़े। तो आज के एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में हम फिर कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आपके पास आएंगे। अगर आपको भी कुछ ऐसे ही कुछ मीनिंगफुल या कुछ रैंडम ड्रीम्स आते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दिए, क्या पता हम ही आपको कुछ अच्छे सजेशन दे पाएँ।